नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, कुछ बहुत शानदार अपडेट्स के बारे में, जो अपडेट्स आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि इस कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा, जितने सारे कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। चलो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा स्टॉक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पिछले दिनों में एक वीडियो को बना के दिया था कि रिलायंस का जो जियो है, इस जियो को यहाँ पे 5G सेटअप करने में, 5G के ऊपर काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एलन मार्क्स के साथ डील किया। मतलब कंपनी एलन मार्क्स, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड के सबसे सबसे धनी व्यक्ति है, उनके साथ डील किया, एक बहुत बड़ा डील किया। क्योंकि उनके जो सैटेलाइट का बिजनेस है, उसके माध्यम से वो 5G का सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो जियो के साथ कोलाबरेट होगा ऑब्वियसली, वो भी एलन मार्क्स के साथ। तो मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि रिलायंस ने और भी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। चलो वो अपडेट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिलायंस टू, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लेम लियोन्स शेयर ऑफ इंडिया 150 बिलियन ई कॉमर्स मार्केट सेज, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेंड सेल। तो कंपनी बता रहा है कि रिलायंस का जो रिटेल का बिजनेस है, वो रिटेल बिजनेस अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग ईयर्स में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। और कितने ग्रोथ, 150 बिलियन डॉलर। तो ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर रिलायंस रिटेल का ग्रोथ होगा तो आप मुझे रिलायंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए, रिलायंस का रिटेल का कोई अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, वो डायरेक्ट रिलायंस के अंदर ही है। तो जितना रिलायंस रिटेल का ग्रोथ होगा, उतना डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा, रिलायंस को मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो रिलायंस रिटेल इज बेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, पोजिशन टू लीड इंडिया 150 ई कॉमर्स मार्केट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के लिए कंपनी बता रहा है। तो इस लॉन्ग रन के हिसाब से कंपनी देख रहा है कि इस रिलायंस कंपनी का जो ग्रोथ है, रिलायंस रिटेल का, वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा रहना चाहिए, हमेशा टिके रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इसके बारे में बात करूँ तो इस बार क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो देखिए, इस बार क्वार्टरली कंपनी ईयर ऑफ ईयर को, क्वार्टर क्वार्टर को भी बीट किया ओपीएम परसेंटेज के हिसाब से। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो बहुत तेजी से कंपनी का ग्रोथ कर रहा है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। 18,000 से कंपनी बन चुकी है 21,000 करोड़, और पिछले साल क्वार्टर्स में कितना था, 17,000 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने को मिला, नोटिस करेंगे तो शानदार एक ग्रोथ कंपनी आपको दिखाया है। तो मुझे हमेशा एक चीज देखने को, मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, वो है कंपनी का कर्जा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी के पास कर्जा कितना है, 3,35,000 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा कर्जा, देखिए आप रिजर्व भी तो देख लीजिए, 8,14,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। मतलब जितना कर्जा है उससे 3 गुना के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। कल जाकर कंपनी के ऊपर कोई उंगली भी दिखाए, हिंडनबर्ग जैसे अदानी के ऊपर उंगली दिखाया था, उस तरीके से रिलायंस के ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा सकते क्योंकि कर्जा जितना लिया उससे कई गुना ज्यादा उसके पास रिजर्व है। तो वो मतलब आराम से काम कर रहे हैं और आराम से हर किसी के पास उसका फायदा हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज में आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, कंपनी इस बार फिक्स एसेट का रिपोर्ट नहीं दिया, मगर एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, वो है इनटेंजिबल एसेट। जो एसेट हर कोई कंपनी को ग्रोथ करना चाहिए, और जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं उस कंपनी के ऊपर इनटेंजिबल एसेट ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी पिछले क्वार्टर्स के तुलना में, मतलब सालों के तुलना में, कंपनी इस बार कई गुना ज्यादा बढ़ा चुके हैं। पिछले साल में कितना था, 65,000 करोड़, और इस बार बन चुके 3,29,000 करोड़। मतलब आप सोच सकते हैं अराउंड 6 टाइम कंपनी का इंटेंजिबल एसेट को ग्रोथ किया। जितना इंटेंजिबल एसेट का ग्रोथ होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ने वाला है। तो देखिए, कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी जितना पैसा हाथ में दिखाते हैं उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आते हैं, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मुझे और एक पॉइंट बेस्ट लगा, वो पॉइंट मैं आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा, वो है कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। पिछले सालों में कंपनी 1 लाख करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किए थे, और 2021 में 1 लाख, और 2000 में 75,000, 76,000 करोड़ के आसपास। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 1,40,000।
इसका मतलब हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज में और आपको दिखा दूँ, कंपनी का मतलब बोरिंग्स, तो कंपनी ने कर्जा कितना लिया पिछले सालों में, तो कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लिया था 99,000 करोड़ का, इस बार वो घट के हो चुके 67,000 करोड़ का। और उल्टा आप देखेंगे तो कंपनी कर्जे पे कर्जे को भी धीरे धीरे करके यहाँ पे चुप मतलब पे रीपेमेंट भी कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी में कितना दम है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा। क्यों क्यों नहीं रखेंगे, जो कंपनी आपको ईयरली 20% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहेंगे। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो मैं कब से आपको बोले जा रहा हूँ कि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स रेंज के अंदर काम कर रहा था, उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रहिए। इस तरीके से कंपनी से अगर एग्जिट कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत फ्यूचर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो सबसे मेरा एक पसंदीदा कंपनी भी है। तो जिस कंपनी के ऊपर जितना शेयर गिरते हैं उतना मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कंपनी कौन सा है, चलो वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। जिस कंपनी का पहले नाम था मदारसन सुमी, तो वो आज बन चुके हैं संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी के पिछले दिनों में Q3 का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कंट्री में खुद का एक्सपेंड कर रहा है कंपनी, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है। उससे पहले कंपनी का मैं आपको थोड़ा सा डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी इस बार 65 पैसे के आसपास यहाँ पे डिविडेंड दिया। तो कंपनी आप कहेंगे सर 65 इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, 80 रुपीज़ के शेयर में 65 पैसे दे रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से बोनस देते हैं और दूसरे कोई कंपनी उतना बोनस नहीं देता। तो कंपनी इसके रिजल्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा कंपनी के जो रिजल्ट है वो किस में है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो कंपनी करोड़ों में रिजल्ट पब्लिश किया। तो मैं कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, जैसे कंपनी का जितना इनकम है जितना एक्सपेंस है सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा इनकम तो किया, उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी हो गया, उसी के चलते कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 699, जो पिछले बार था 500 और पिछले सालों में था 130, इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया। अभी कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ वो मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिखाऊंगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे ठीक ठाक मुझे नहीं लगा, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी ने तो किया, कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखाया तो एक्चुअली उतना प्रॉफिट कंपनी के हाथ में नहीं आया। कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट कितना था पिछले सालों में, 397 करोड़ के आसपास, और इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट दिखाया, 106 करोड़ के आसपास। इसका मतलब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही गड़बड़ देखने को मिला। और हम OPM को देखेंगे तो 17% से कंपनी घट के हो चुकी है 10%, इसका मतलब लगातार लगातार कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी देखने को मिला है। तो कितना प्रेशर है वो भी मैं आपको दिखा। देखिए सेगमेंट वाइज देखा देखा जाए तो वायरिंग्स इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज में, विजन सिस्टम्स के इंडस्ट्रीज में, और जो एमर्जिंग बिजनेस में, ये सारे बिजनेस के ऊपर कंपनी का हर साल के हिसाब से इस साल में ग्रोथ हुआ। इसका मतलब रेवेन्यूज कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया मगर प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का ग्रोथ डाउन हो चुके हैं। मैं एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, जो रिपोर्ट आपको देखकर आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा। सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो वायरिंग्स बिजनेस है यहाँ पे कंपनी 29% का ग्रोथ किया, और यहाँ पे देखिए जो विजन सिस्टम है 19%, बम्पर में 14, डोर में 11। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट के ऊपर कंपनी जो काम करते हैं उसके ऊपर डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो मैं ये डेटा से अच्छा मुझे लगा कंपनी का बिजनेस कौन सा कंट्रीज के ऊपर है। टोटल इसका 15 कस्टमर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनी माल बेचते हैं मर्सिडीज बेंच को। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मर्सिडीज बेंच वर्ल्ड के सबसे एक पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर 9.5% का कंपनी का कस्टमर बेसिस कंपनी खुद के काम कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यूज है सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज मर्सिडीज बेंच से आते हैं। उसके बाद ऑडी है 8.92%, उसके साथ वॉक्स वैगन है, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो सुजुकी मारुति सुजुकी के ऊपर 6% है, BMW के ऊपर 4.9%, पूर्से के ऊपर 4.5। इस तरीके से देखिए अलग अलग कंपनी है। जहाँ पे एक चीज आपने नोटिस नहीं किए होंगे तो इस कंपनी के ऊपर टाटा का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप खुद ही काम करते हैं इस
सारे सेगमेंट के ऊपर। इसलिए इस कंपनी टाटा ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा। अगर टाटा ग्रुप के साथ जुड़ता तो कंपनी का ग्रोथ और भी अच्छा देखने को मिल जाता। तो फिर भी कोई बात नहीं, कंपनी बहुत सारे गाड़ी इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है, तो जिसमें जापान की मतलब जापानीज के कोई भी कंट्रीज की गाड़ी आपको नहीं दिखेगा और चाइना का भी नहीं दिखेगा। बाकी सारे कंपनी जो है वो जर्मनी, यूके, यूएस जैसे कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी इसके सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंट्री वाइज कहाँ पे मिला? इंडिया में मिला 22%, और ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है ऑटो इंडस्ट्रीज में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। यूएस में रिसेशन के कारण थोड़ा सा डाउन हो चुका है 18%, जर्मनी में 16%, चाइना में 9%, और यहाँ पे देख सकते हैं हंगरी में 6%, स्पेन में 5%, फ्रांस में 4%, इस तरीके से मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, पोलैंड एंड अदर्स कंट्री। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि शेयर ऑफ इंडिया 17% के हिसाब से ग्रोथ किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो इमर्जिंग मार्केट है तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में हुआ है। तो इस बेसिस में जरूर कहूँगा मदारसन सुमी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला कंपनी जरूर बनेंगे। तो आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको एक ट्रेडिंग के पर्पस में एक एंट्री दिया था जो एंटी इस कैंडल के ऊपर था। एंटी लेवल था अराउंड अराउंड 66.50 के आसपास, और मेरा टारगेट लेवल था 80.75 के आसपास। तो ऑब्वियसली टारगेट अचीव हो चुके हैं। सिर्फ के सिर्फ आप देखेंगे तो 14 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे था। देखिए 14% भी, सॉरी 14 पॉइंट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको परसेंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। आज शेयर में करेक्शन देखने को मिला है, कल फिर से वो बहुत शानदार एक मोमेंटम दिखाने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो मैं मदरसन सुमी को बहुत पसंद करता हूँ। आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा वो है एप्टेक लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एप्टेक एक ऐसे कंपनी है जो एक एजुकेशन पर्पस में काम करते हैं, एजुकेशन बिजनेस में काम करते हैं, और राकेश झुनझुनवाला जी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी का पब्लिक के सेक्टर में अगर आपको नाम देखेगा, आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो राकेश जी के पास इस कंपनी का होल्डिंग 1% के ऊपर था। आज होल्डिंग 1% के नीचे है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिला। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट मैं आपको बता दूँ। कंपनी यहाँ पे स्प्लिट और बोनस के अनाउंसमेंट किया है। तो एक्चुअली कंपनी आपको बोनस देने वाला है, और वो बोनस कितना है? 2:5 रेशियो का। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर मिलते रहेंगे, तो मतलब मिलते रहेंगे मतलब मिलेंगे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।